यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। बातचीत जो हुई है, अब तो अभी हम छत्तीसगढ़ के प्रभारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष से बात हो गई, अब अगली बैठक हम रखेंगे मध्य प्रदेश में और जल्दी जाएंगे और ये सब काम हमारे लोग वहाँ कर रहे हैं और इसलिए मैं शहादत दिवस मना आज के दिन में मैं पुण्यतिथि की बात की, मैंने कहा पुण्यतिथि मना रहा हूँ और कोई भी सांसद किसी भी घटना के बारे में अगर कोई भी आदमी खड़ा और होता उस मुद्दे को लेकर, तो उस मुद्दे का असली में कौन लोग हैं वो जो क्यों उसको उनको रास्ता तैयार करना पड़ा है उस पर भी विचार करना चाहिए। इसमें पूरे दुनिया के लोगों ने उस पर सर्च और रिसर्च किया है और जिन्होंने एक महिला को अबला यहाँ कहते हैं और अबला की आबरू बचाने के लिए अगर उनको करना पड़ा है तो उसके लिए अलग विषय है। उस पर जब हमने कहा ना कि जब जांच होगा तो जांच में सारे लोग पता आ जाएगा उसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं और कौन कौन से, इसीलिए तो मैं जांच चाहता हूं कि दोषी कौन है, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी एनडीए के साथ शामिल होकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर अभी चर्चा चल रही है।